नमस्कार। पैरालिसिस यानी पक्षाघात, निदान हमने देख लिया, अब चिकित्सा देखना है, मतलब डायग्नोसिस देख लिया, अब ट्रीटमेंट देखना है। तो आज के वीडियो में हम पैरालिसिस की ट्रीटमेंट बताएंगे आयुर्वेद के हिसाब से, और वो अत्यंत परिपूर्ण चिकित्सा है, हमने भी बहुत से पेशेंट्स में की है और बखूबी उसका फायदा लोगों को हुआ है। तो केशव आयुर्वेदिक क्लिनिक अपना है तो यहाँ पर यह ट्रीटमेंट हो जाती है। ये क्या है ये ट्रीटमेंट, उसमें दो पार्ट्स आएंगे। उसमें पहले हम बता देंगे थोड़ा साध्या साध्यत्व के बारे में बताएंगे कि डायग्नोसिस का ही अंतिम पार्ट रहता है, लेकिन चिकित्सा के पहले वो जानना जरूरी होता है, इसलिए आज बता रहा हूँ क्या है इसका साध्या साध्यत्व, मतलब प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस क्या होता है, तो एक तो वो सुख साध्य व्याधि नहीं, ये बड़ा मुश्किल व्याधि है, इसमें आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये एक बात। दूसरी बात, यदि आपको देखो अभी कोमॉर्बिडिटी, कोरोना के समय में आपने एलोपैथी से सुना, और वो कोमॉर्बिडिटी मतलब कुछ थरावी चीज़ें ही आप जानते हो कि भैया ये नहीं होना है, डायबिटीज़ नहीं होना है, बीपी नहीं होना है, लेकिन आयुर्वेदिक में साध्या साध्यत्व में जो भी बताया है ना, वो कोमॉर्बिडिटीज़ ही है उनका उस काल की। तो ऐसे बोला है कि यदि आपको ये चीज़ें होंगी, जैसे कि आपका क्षीण माउस बल है, आप वीक हो पहले से, तो आपको ये मुश्किल जाएगा, और मुश्किल जाएगा। यदि सुन पड़ा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उसमें जान ही नहीं आ रही है, तो वो भी आपको मुश्किल जाएगा, आसान नहीं होगा ठीक करने में। तो ऐसे इस कोमोर्बिडिटीज़ में या ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हैं जिनमें उसको ठीक करना आसान बात नहीं है। तो ये हो गई प्रोग्नोसिस की बात। फिर आए वात व्याधि चिकित्सा में, आयुर्वेद में बताया है कि वात व्याधि में वात की चिकित्सा करना चाहिए इम्पोर्टेंटली, यदि उसके साथ और भी कोई व्याधि है तो उसको भी आपको लेना पड़ेगा, ये नहीं कि उसको नहीं लेना है, मतलब अन्य दोष को भी देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से वात की चिकित्सा करेंगे। तो कैसे होगी पक्षाघात की, तो वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु, तो हमने बता दिया है, और ये ऊर्ध्वगत रोग है, इसलिए यहाँ से ऊपर जो भी व्याधि होते हैं रुग्णों को, मस्तिष्क से चलता है ना ये, तो इसमें हमने जोड़ दिया है, ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन ये जान गए ना हम कि ये सुप्ति, ये सब नर्व टिश्यू से भी रिलेटेड है। तो हमने क्या कर दिया, मज्जा योग मतलब नर्व टिश्यू के उपयुक्त दवाइयाँ, और नस्य मतलब नासा में तेल डालना। तो कैसे करते हैं, हम नासिका में तेल डालते वक्त ऐसे टिल्ट होना है, सो के, ये तो मैं बैठ के बता रहा हूँ, सो के टिल्ट होना है, और 6-8 बिंदु उसमें नासिका में डालना है। तो कौन से तेल का उपयोग अच्छा होगा, तो होगा उसमें बला तेल, महानारायण तेल, बलागुड़ उच्छादि तैलम, क्षीर बला तैलम, इनका उपयोग करना है, जो मसाज के लिए वो अलग है, याद रहे। तो इसका उपयोग नस्य के लिए हम लोग करते हैं, आपको भी करना है। यदि ज़्यादा सुन पड़ गया हो, बाधिर्य सुन पड़ना, हाँ, तो वो ज़्यादा हो गया हो तो आप शुरू में फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, तो उसको नस्य में वचा यानी वेखंड का पाउडर और शुंठ, शुंठी का पाउडर यूज करो, वो फूंकेंगे इधर तो जान आने में बहुत मदद होगी। ये हो गया नस्य का भाग। और बोलेंगे कि और चिकित्सा में क्या है, तो स्नेहन स्वेदन तो है ही, आधा वैद्य बोला था ना मैंने, स्नेहन स्वेदन आधा वैद्य है, तो स्नेहन स्वेदन करना है। स्नेहन में अब थोड़े अलग दवाई है, स्नेहन में मतलब क्या है, हल्के से मसाज करना। तो हल्के हल्के मसाज के लिए महानारायण और बला तेल है, उसके अलावा है धन्वंतर तेल, वो भी है, और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और अलग तेल इसमें यूज किया जाता है, वो है महामाश तेल, उड़द का होता है, तो उससे स्नायु का बल अच्छी तरह से बढ़ जाता है। महामाश तेल आप मसाज के लिए यूज करो।
उसमें भी दो प्रकार का आता है, एक वेजिटेरियन है, एक नॉन वेज है। तो जो नॉन वेज लोग हैं उनको ये नया बात बता रहा हूँ कि नॉन वेज केवल खाने के लिए नहीं, लगाने के लिए भी है। तो महामाष्टिल सामिश यानी नॉन वेज, तो उसका भी उपयोग आपको मसाज के लिए करना है। वो हम ज़्यादातर नासिका में डालने के लिए, नसे के लिए नहीं देते, वो स्पेसिफिकली मसाज के लिए देते हैं। आपको पीना है, पी सकते हैं तेल, तो पीना है तो ये बाकी के तेल मत यूज करो, ज़्यादातर बला या शीर बला तेल का वापर करो, एक चम्मच शाम को पी जाओ बस। उसके बाद गुनगुना पानी पीना है, मतलब पहले तेल पीना फिर पानी पीना। तेल ये खाने की चीज़ नहीं, पीने की है। तो ये हुए दो भाग, और भी बहुत है। तो इसमें क्या क्या आता है, माश, बला, रासना, अश्वगंधा, ये इनका काढ़ा भी पी सकते हैं। ये सब चीज़ों का 3-3 ग्राम भरड़ चूर्ण लेके उसमें 16 गुना पानी डाल के उसको 1/4 या 1/8 भी काढ़ा कर सकते हैं। वो काढ़ा बना के आपको पीना है। मैं वात प्रकृति हूँ, मुझ पर गुस्सा मत होइए। और माशाद्य तेल क्या है, तो उसमें है उड़द और है कंटकारी है, गोखरू है, ये सब, और कपी कच्छू है, कवच बीज। हाँ, तो वो कैसे काम करता है, वो कवच बीज तो शुक्र व्याधि में होता है ना, लेकिन शुक्र की पहले वाला है मज्जा। तो इनने ना, इन्होंने डायरेक्टली मज्जा का बात नहीं किया है, लेकिन वो शुक्र के चिकित्सा में जो द्रव्य ज़्यादातर यूज होते हैं, माश भी ऐसा ही है ना। तो जो मज्जा के आगे, और वैसे भी हमारे आयुर्वेद में जो योग है हमारे गुरु ने सिखाया हुआ है, उसमें अस्थि मज्जा योग नामक का योग है, वो अस्थि और मज्जा दोनों पे काम करता है। रक्तपाचक योग सिर्फ रक्त पे करेगा, मेदोपाचक सिर्फ मेदो पे करेगा, मतलब फैट्स पे, ब्लड पे या फैट्स पे, लेकिन अस्थि मज्जा पाचक जो है वो हड्डी और मज्जा दोनों पे काम करता है। और ये उसके आगे चले गए शुक्र में, तो अश्वगंधा है, एरंड है, और ये कवच बीज है। तो ये सब शुक्र को भी ठीक करने वाले हैं, क्योंकि मज्जा के आगे वाला है। तो पीछे वाला अस्थि और आगे वाला शुक्र, इन धातुओं का भी इसमें विचार करना आवश्यक है। और हम बताया है कि बादाम का और अखरोट का उपयोग इसमें अच्छा होता है, और मांस धातु के पोषण के लिए जर्दाड़ू का। ये सब चीज़ें हमने शायद बताई होंगी, नहीं होंगी तो अभी आज बता दिया कि ये है खाने में उपयुक्त चीज़ें जिसको खा के आपको बेनिफिट होता है। आयुर्वेद का पथ्य मतलब ऐसा नहीं है, आपको जो डॉक्टर बोलते हैं पथ्य करके वो अपथ्य होता है, ये मत कहो। लेकिन पथ्य मतलब उपयुक्त, पथ पे जाने के लिए, पथोनीतम, जो पथ पे आपको लेके जाएगा, अच्छे पथ पे लेगा या चिकित्सा के पथ पे लेके जाएगा, वो पथ है पथ्य। तो पथ्य में दूध, घृत बताया था ना, और आज बताया, ये चीज़ें आपके लिए पथ्यकारक है, अच्छी है, आपको पक्षवत होगा तो ये खाओ। हाँ, और फिजियोथेरेपी तो आप कर सकते हो बिल्कुल, मसाज भी फिजियोथेरेपी से भी और थोड़ा अलग और अच्छा भी है, लेकिन फिर भी कुछ फिजियोथेरेपी के भी टेक्निक्स है ना, तो वो मॉडर्न टेक्निक्स है, वो भी अच्छे हैं। तो फिजियोथेरेपी या मसाज, ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी ही रहेंगी। और है बहुत इम्पोर्टेंट, ये जो मज्जा स्नायुगत, कौन सा गूगल चलता है बताइए, मज्जा स्नायुगत, तो स्नायुगत तो हमने बोला निदान में आता है आयुर्वेद के, लेकिन हमने मज्जा स्नायु का खोजा है क्योंकि उसमें बाकुची होता है, अश्वगंधा होता है, और गुडुची और शतावरी होता है, और गोखुर भी होता है। तो ये क्या है, क्या है रसिक हो, त्रयोदशांग गूगल है। तो ये त्रयोदशांग गूगल का भी उपयोग होता है, और योगराज और महायोगराज ऐसे गूगल है जिनमें पावर है, बल है बहुत, मतलब ये आम से निगड़ित नहीं है ना, इसमें हमने बोला था आम से निगड़ित वात है वो आमवात है, या संधिवात में भी होता है वो इंडाइजेशन वाला आम, तो वो आमवात मतलब रोमेटिक में है, तो रोमेटिक या आर्थराइटिस में आम की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इधर कम है। यहाँ देखो, पेशेंट को ना बुखार आएगा, ना उसको कुपाचन होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली इसको निराम ववाद हो जाता है ना। तो इसलिए इसमें अश्वगंधा शतावरी जैसे द्रव्य है, बला जैसे, ये बलकारक है, और ये धातुओं को पोषण भी करता है।
तो ये धातु क्षय जन्य वात व्याधि जो हमने दो बोले थे ना, एक आम आम जन्य और धातु क्षय जन्य, तो उसमें धातु क्षय जन्य वाले इसमें ज़्यादा आते हैं, चिकित्सा में भी और निदान में भी है। तो अभी चलो 10 मिनट भी हो गया है, बोलना तो था बस हो गया, 30 मिनट का तो हम नहीं बताते, और एक बनाएंगे। चलो धन्यवाद।